अगर अर्थ के टूवर्ड्स हो रहा पॉजिटिव जियोट्रॉपिक है और आपके निगेटिव हो रहा है तो वो आपका निगेटिव जियोट्रॉपिक होगा। अगर जो निगेटिव जियोट्रॉपिक होगा वो पॉजिटिव किसके तरफ ट्रू होगा, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक होगा। ठीक है, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक समझिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप सिर्फ सवाल ही पूछा गया कि किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है। ट्रांसपोर्ट के कई सारे मैकेनिज्म है। ठीक है, नाम है कीर्ति, दीप्ति महाजन को जो लिंक कर दे बेटा। ठीक, हाँ ये लिंक शेयर कर दो। हम जानते हैं जो ट्रांसपोर्ट का हमारा मीडियम होता है वो या तो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है या एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। हम जानते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, देयर इज नो एक्सपेंडिचर ऑफ द एनर्जी, एनर्जी की कभी भी जो है जरूरत नहीं पड़ती है। वो तो डिफ्यूजन के थ्रू हो रहा है या फिर जो है किसके थ्रू हो रहा है या फिर जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू हो रहा है, और दोनों में ही फर्क आपको समझ में आता है कि जो सिंपल डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है उसमें किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। जबकि वो कैसा होता है बेटा, अलॉन्ग द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, मतलब हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ जो मूवमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम बोलते हैं अलॉन्ग द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, या हम उसको बोलते हैं सिंपल पैसिव मूवमेंट या पैसिव फ्लो हम उसको बोलेंगे। दूसरी तरफ यही पैसिव फ्लो हो रहा है उसको हम सिंपल डिफ्यूजन कहेंगे। चैनल को क्या मेरी आवाज ब्लैक कर रही है क्या? यस सर, वेट अ मिनट। हां फ्रीडम चेक कर लेते हैं। हमारी स्पीड है 65। चलिए हम लोग बात क्या कर रहे थे बेटा, ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात कर रहे थे किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है। तो यहाँ पर आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा, इसको आपने पढ़ा होगा। थोड़ा सा इन शॉर्ट हम आपको सारी चीजें क्लैरिफाई करते हैं। चलो देखिए, दो टाइप का जो है मूवमेंट होता है, एक होता है शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, हमारे साथ लिखते हुए चलिएगा, एक होता है आपका शॉर्ट डिस्टेंस के लिए और एक होता है हमारा लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। जब भी कभी हम शॉर्ट डिस्टेंस की बात करते हैं तो शॉर्ट डिस्टेंस का जो मूवमेंट होता है वो मूवमेंट दो माध्यम से होता है, बाय द डिफ्यूजन प्रोसेस और दूसरा हम कह सकते हैं बाय द साइटोप्लाज्मिक स्प्रिंग। क्या होता है साइटोप्लाज्मिक स्प्रिंग, जो साइटोप्लाज्म के अंदर मूवमेंट होता है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक स्प्रिंग। क्या कहते हैं उसको हम साइटोप्लाज्मिक स्प्रिंग। अब लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जो मूवमेंट होता है उस मूवमेंट में बेसिकली हमारा क्या क्या मूव करता है, हमारा वाटर, हमारा मिनरल्स, ठीक है ये सब हो गए। इसके अलावा आपका आ गया क्या, फूड मटेरियल। फूड मटेरियल में
जानते हैं कि फूड हमारा बनता है कहाँ पर? हमारा बनता है लीव्स में, बनता है फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट, अदर पार्ट। हम जानते हैं ना कि हमारे लीव्स में क्या होता है बेटा, फोटोसिंथेसिस होता है। अब ये जो मूवमेंट हो रहा है लॉन्ग डिस्टेंस पे, जो मूवमेंट हो रहा है, दिस लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट अकर्स बाय द वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर टिश्यू के थ्रू हो रहा है, और ये वेस्कुलर टिश्यूज हमारे कौन से होते हैं? वेस्कुलर टिश्यूज हमारे होते हैं जाइलम एंड द फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम के थ्रू हमारा लॉन्ग डिस्टेंस का मूवमेंट होता है, और जाइलम और फ्लोएम के थ्रू जो मूवमेंट हो रहा होता है उस मूवमेंट को हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। क्या बोलेंगे बेटा? उसको हम कहेंगे ट्रांसलोकेशन। इसका मतलब ये हो गया कि चाहे जाइलम के थ्रू मूवमेंट करा लें, चाहे हम फ्लोएम के थ्रू मूवमेंट करा लें, उसको हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन का मतलब ही होता है कि एक जगह से दूसरी जगह को जाना, ठीक है। अब यहाँ पे आगे देखिए, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, क्या होता है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब जब कभी हम इसकी बात करेंगे, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे, हम कभी जब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आपका दो टाइप का होता है, ठीक है। कौन कौन सा, जल्दी से ध्यान दीजिए। इधर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होगा आपका, अभी हमने बताया, एक है आपका पेसिव ट्रांसपोर्ट और एक है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्लियर? यहाँ पर एटीपी की जरूरत नहीं पड़ती है, एनर्जी खर्च नहीं होती है, और यहाँ पर एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। पहली, ठीक है, ये जो होता है आपका, सिंपल सी बात है, ये आपका अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा। इसका मतलब ये क्या हुआ कि फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू, फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, फ्रॉम द हायर कंसेंट्रेशन टू द लोअर कंसेंट्रेशन, ठीक है। और ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, इट अकर्स अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। इट अकर्स अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट में काम करता है, ठीक है। अब जैसे बड़ी सिंपल सी बात है, यहाँ पर हमने एक आपको समझाने के लिए बनाया है कि बाहर की तरफ यहाँ पे 100 मॉलिक्यूल्स हैं, कितने हैं 100 मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल्स है बेटा, 50 मॉलिक्यूल्स, ठीक। तो आप बताइए मॉलिक्यूल का मूवमेंट किधर से किधर होगा? मॉलिक्यूल का मूवमेंट आप जानते हैं इधर से इस तरफ से, ठीक है, इधर से इधर होगा, और ये मूवमेंट तब तक होता रहेगा जब तक कि मामला इक्विलिब्रियम पर नहीं आ जाता, ठीक। तो ये वाला जो मूवमेंट हो रहा है 100 to 50 की तरफ, यानी कि सिस्टम ए से सिस्टम बी की तरफ जो मूवमेंट हो रहा है, इस टाइप का जो मूवमेंट है, ये आपका पेसिव मूवमेंट कहलाएगा, ये आपका पेसिव मूवमेंट कहलाएगा। लेकिन इसके जस्ट रिवर्स में क्या हो जाएगा, अगर इधर से इधर की तरफ मूवमेंट अगर हम करवाएंगे तो ये आपका अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो जाएगा, और इसको हम बोलेंगे एक्टिव मूवमेंट। बिल्कुल ठीक वैसे ही जब आपको ऊपर, आप इस स्लोप में आप अपनी बाइसिकल लेकर के जाओगे, ऊपर से नीचे की तरफ आओगे तो बिना कुछ कहे आप ऊपर से नीचे की तरफ चले आओगे, क्यों? क्योंकि ऊपर की ग्रेविटी कम है, नीचे की ग्रेविटी क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ से यहाँ तक आप आसानी से चले आओगे, और जब आप साइकिल चलाओगे यहाँ से यहाँ ऊपर की तरफ जाओगे तो आपको ताकत लगानी पड़ेगी। यहाँ ताकत लगानी पड़े वो एक्टिव प्रोसेस है, यहाँ पर ताकत खर्च ना हो आपका पैसिव प्रोसेस, ठीक है। अब एक चीज और है, आपका ये जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है बेटा, पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, इट इज नॉट सेंसिटिव टू टेम्परेचर एंड इनहिबिटर। टेम्परेचर और इनहिबिटर का कोई इसके ऊपर रोल नहीं होता है, फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, बहुत ज्यादा, ठीक है।
लेकिन ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है इट इज वेरी सेंसिटिव टू टेम्परेचर एंड द ह्यूमिडिटी। ठीक, तो टाइप्स ऑफ पेसिव ट्रांसपोर्ट की बात हम थोड़ा सा और कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ पेसिव ट्रांसपोर्ट में हमने आपको बताया कि ये आपका क्या है, आपका डिफ्यूजन है। पहला क्या है, डिफ्यूजन है। ठीक, यहाँ पर जो डिफ्यूजन की बात हम करते हैं इसमें अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल फ्रॉम द हायर कंसेंट्रेशन टू द लोअर कंसेंट्रेशन। कहाँ से कहाँ तक, इसका सॉल्यूट पार्टिकल का हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ क्या होता है, उसका मूवमेंट होता है। एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट में कोई भी एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी नहीं होती है। थोड़ा सा बात देखिए, ये जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है, अगर हम टेम्परेचर के रिगार्डिंग देखते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने पे या घटाने पे क्या होगा, तो हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे डिफ्यूजन रेट जो होगा वो भी हमारा बहुत तेजी से बढ़ेगा। डिफ्यूजन रेट भी हमारा क्या होगा बेटा, इंक्रीज करेगा। जरा सा आप देख लीजिए कि जब गर्मी होती है तो फाउल इसमें बहुत तेजी से फैल जाता है, लेकिन ठंडी में जो फाउल स्मेल होता है, कुछ भी चीजें होती हैं वहां पर, धीरे धीरे वो फैलता है। ठीक है, अगर हम दूसरा है ग्राम फ्लॉक सिचुएशन देखेंगे गैस फ्लॉक के हिसाब से, तो वहां पर डेंसिटी का बड़ा इम्पैक्ट होता है। डेंसिटी डेंसिटी का अगर हम देखेंगे तो इसका जो डिफ्यूजन रेट है 1/√3 के बराबर होता है। ये आपका ग्राम फ्लॉ है, आप केमिस्ट्री में इसको पढ़िएगा, ये ग्राम फ्लॉ है। ठीक है, डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√3, यानी कि डिफ्यूजन। ठीक है, उसके बाद कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट है। कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट है, आप जानते हैं कि जैसे एक कमरे में हमने क्या किया बेटा, एक कमरे में हमने यहाँ पर अगरबत्ती जलाई, यहाँ पर हमने अगरबत्ती जलाई कोने में, तो आप धीरे धीरे देखते हो कि ये अगरबत्ती की स्मेल पूरे कमरे में क्या होता है बेटा, फैल जाती है। तो ये क्या होता है, हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ क्या होता है, इसका फैलाव। लेकिन एक चीज और जानिए आप कि जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उनका डिफ्यूजन रेट एज कम्पेयर टू लिक्विड कम होता है, और सबसे ज्यादा जो डिफ्यूजन रेट होगा वो किसका होगा, वो गैस का होगा। तो अगर देखा जाए इनका सीक्वेंस, तो सबसे ज्यादा डिफ्यूजन आपका गैस का होगा, फिर आपके लिक्विड का होगा, और सबसे कम किसका होगा बेटा, सॉलिड का होगा। तो ये जो तीन मैटर है आपके सॉलिड लिक्विड एंड गैस में, डिफ्यूजन रेट सबसे ज्यादा किसका होता है, गैस का होता है, ये ऑब्वियस। ठीक है, तो सरफेस एरिया की बात भी करेंगे, तो अगर सरफेस एरिया अगर ज्यादा है हमारा, तो ये जो हमारा डिफ्यूजन रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, सरफेस एरिया। तो हमारा जो सरफेस एरिया है ये डेंसिटी के लिए क्या है, अगर ज्यादा सरफेस एरिया तो क्या होता है, सॉरी डिफ्यूजन जो है ज्यादा होगा सरफेस एरिया अगर ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो रही है। अब एक चीज और है, ये बताइए कि दो हमारे पास दो दो हमारे पास क्या है, सोल्यूशन है। एक क्या है, या दो पार्टिकल्स हैं, एक पार्टिकल हमारा कैसा है, लिक्विड है, और दूसरा क्या होता है आपका, प्रोटीन है। एक लिक्विड पार्टिकल है, दूसरा प्रोटीन पार्टिकल है। अब आप बताइए कि लिक्विड का डिफ्यूजन ज्यादा होगा या प्रोटीन का डिफ्यूजन रेट ज्यादा होगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किसका बना होता है बेटा, लिक्विड बाइलेयर का बना होता है, लिक्विड बाइलेयर का बना हुआ है। और दूसरा हमारा लिक्विड पार्टिकल जो है ये क्या है, लाइपो फिलिक होता है, लाइपोफोबिक होगा नहीं। तो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिक्विड बाइलेयर का बना हुआ है, और जो हमारा पार्टिकल है जिसको डिफ्यूज करवाना है वो पार्टिकल भी हमारा लिक्विड का बना हुआ है। तो ऑब्वियसली बात है कि लिक्विड जो होता है उसके लिए फ्रेंडली हो जाएगा। तो यहाँ पर लिक्विड का जो डिफ्यूजन रेट है वो क्या होगा, वो होगा आपका बेटा ज्यादा, लिक्विड का डिफ्यूजन रेट ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू अदर, प्रोटीन का उससे कम होगा। ये चीज आपको समझनी होगी, बिकॉज हमने क्या कहा कि लिक्विड लिक्विड सॉल्युबल पार्टिकल्स मूव फास्टर बिकॉज प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड बाई लेयर। ठीक है, एक चीज और समझिए आप, मैंने आपको बताया कि लिक्विड का, गैस का, लिक्विड का और सॉलिड का डिफ्यूजन पॉसिबल है। ध्यान सुनना मेरी बात, मैंने क्या बताया कि इन तीनों मैटर का डिफ्यूजन पॉसिबल है, लेकिन सॉलिड के अंदर डिफ्यूजन पॉसिबल नहीं। मैंने क्या बोला कि सॉलिड का डिफ्यूजन पॉसिबल है लेकिन सॉलिड के अंदर डिफ्यूजन पॉसिबल नहीं। ठीक, तो
इस पॉइंट को आप ऐसे लिख भी सकते हैं अपनी कॉपी पे कि डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड इज पॉसिबल, डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड इज पॉसिबल बट डिफ्यूजन इन सॉलिड इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, अगला है आपका डिफ्यूजन का टॉपिक है जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, जिसको हम कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्या कहते हैं इसको हम? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अभी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात की जा रही, ये भी पैसिव ट्रांसपोर्ट है लेकिन यहाँ पर सिंपल तरीके से नहीं हो रहा डिफ्यूजन, बल्कि यहाँ पर डिफ्यूजन कराने के लिए कोई हमारा एक सहायक होता है, कोई हमारा हेल्पर होता है और उस हेल्पर को हम क्या बोलते हैं बेटा, कैरियर प्रोफाइल कहते हैं। उस हेल्पर को हम क्या बोलते हैं? कैरियर प्रोफाइल कहते हैं। अब आप जानते हैं कि जैसे ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, ध्यान से देखना हमारी तरफ, ये लिपिड बायलेयर का बना हुआ हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, ये लिपिड बायलेयर का बना हुआ हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये लिक्विड बायलेयर का बना हुआ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये देखो ये आपका ये सेल है, ये देखिए। और हम जानते हैं कि जो हमारे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं ये इसके पेरिफेरी पर पाए जाते हैं, ये पेरिफेरी पर प्रोटीन पाए जाते हैं। तो होता क्या है कि ये जो प्रोटीन है हमारा, ये वाला जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन ये जो डिफ्यूजन वाले जो पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स को लेकर के अपने साथ, उन पार्टिकल्स को अपने साथ लेकर के यहाँ पर लेकर के कहाँ पर लाएगा बेटा? ये इधर आएगा, ये आपका इधर आएगा, ये इसके साथ ये पार्टिकल्स लगे हुए होंगे, फिर ये जो है यहाँ पर पहुंचेगा, ये और फिर यहाँ पर ये लेकर के वापस चला जाएगा प्रोटीन। तो ये जो आप देख रहे हो ये जो प्रोटीन है ये वाला आपका, यही प्रोटीन हमारा कैरियर प्रोटीन, ठीक है। जैसे एक प्रोटीन आपका है एक्वापोरिन, क्या होता है एक्वापोरिन, आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है एक्वापोरिन, ठीक है। ये पाया जाता है एक्वापोरिन प्रेजेंट ऑन आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। जनरल से एग्जाम्पल है माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के मेम्ब्रेन पर पाया जाता है और कुछ बैक्टीरिया में भी पाया जाता है, ये कुछ बैक्टीरिया में भी पाया जाता है, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी जिसका बेसिक एग्जाम्पल देती है वो एग्जाम्पल है हमारा एक्वापोरिन का। एक्वा मतलब ही होता है वाटर, पोरिन का मतलब क्या होता है? पोर, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं बेटा वाटर चैनल, वाटर चैनल, एक्वापोरिन को हम बोलते हैं वाटर चैनल, ठीक है। तो इसका मेन काम क्या होगा? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर में मदद करना, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर में क्या करना बेटा? हेल्प करना है, ठीक है। अब ये जो क्या कहते हैं, दो टाइप के पार्टिकल्स होते हैं जो कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू जो है ट्रांसपोर्ट होते हैं। पार्टिकल कितने टाइप के होंगे? दो टाइप के होंगे जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू क्या करेंगे? ट्रांसपोर्ट होंगे। उनमें से एक पार्टिकल होता है जिसको हम बोलते हैं पोलर और एक होता है आपका नॉन पोलर, पोलर और नॉन पोलर। पोलर में आपका आता है जैसे मिनरल्स हो गए, सोडियम आयन हो गया, क्लोराइड आयन हो गया एक्सेट्रा, और नॉन पोलर में जैसे आपका आ गया न्यूक्लियोसाइड, क्या हो गया आपका न्यूक्लियोसाइड, और क्या हो गया जैसे एग्जांपल में हमने ले लिया अमाइनो एसिड, ठीक, अमाइनो एसिड ले लिया। इस तरीके के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू ही क्या करते हैं? ये ट्रांसपोर्ट होते हैं। पोलर मॉलिक्यूल में क्या हो गया आपका? सोडियम एंड क्लोरीन, और नॉन पोलर में आपका न्यूक्लियोसाइड और अमाइनो एसिड हो गया है, ठीक है। आगे देखिए, अब एक ट्रांसपोर्ट क्या होता है बेटा? यूनिपोर्ट होता है, ठीक है। यहाँ पर हम तीन का डिफरेंस आपको बताएंगे, तीनों आप अच्छे से समझिएगा, एक हो गया, दो हो गया और तीन हो गया, ठीक है। एक है आपका यूनिपोर्ट, एक होता है आपका सिंपोर्ट और एक होता है आपका एंटीपोर्ट,
हो गया आपका एंट्री। यहाँ पर आप देखते हैं ये आपके क्या है बेटा, ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन है, ठीक है। अब आप देखते हैं यहाँ, पहला हमने क्या बताया, यूनिकोड। यूनिक का मतलब होता है क्या, सिंगल रास्ता। मान लेते हैं कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कौन सा साइड है बेटा, आउटसाइड है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आउटसाइड है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कौन सा साइड है, ये इनसाइड है, ये इनसाइड है। अगर डायरेक्शन वन वे हो, जैसे मतलब क्या कह सकते हैं, अगर डायरेक्शन कैसा हो, वन वे हो, इधर से उधर आ रहा है मामला, ठीक है, तो ये वाला जो मूवमेंट होता है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, यूनिपोड कहते हैं। एक डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है। और इसका जो बेस्ट एग्जांपल है, वो एग्जांपल आप लिख लीजिएगा, इसका एग्जांपल है कैल्शियम आयन गो इन, अंदर जाता है, याद करिए कहाँ जाता है, पैरासिंपैथेटिक या प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में। याद करिए नर्वस सिस्टम में मैंने पढ़ाया आपको, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में ये अंदर जाता है, ठीक है। और आप ये भी जानते हैं कि ये जो कैल्शियम आयन रिलीज होता है मसल्स में, कैल्शियम आयन रिलीज फ्रॉम सारकोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन मसल्स, मसल्स के सारकोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये निकलता है, ठीक। याद करिए जरा सा, मसल कॉन्ट्रेक्शन में कैल्शियम आयन रिलीज हो रहा था, ठीक है, और वो ट्रोपोनिन सी के साथ बाइंड कर रहा था, कैल्शियम आयन रिलीज कर रहा था, कहाँ पर, आपने देखा था कि ये आपका प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन था, ये आपका पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन था, कैल्शियम आयन रिलीज कर रहा था यहाँ से, और इस जगह से यहाँ पर क्या मौजूद था बेटा, कैल्शियम चैनल मौजूद था, और यहाँ से हमारा कैल्शियम आयन अंदर जा रहा था, और ये उस वेसाइकिल के साथ ये बाइंड कर रहा था जिसके पास न्यूरो ट्रांसमीटर था, और कैल्शियम आयन न्यूरो ट्रांसमीटर कंटेनिंग वेसाइकिल के साथ बाइंड करने के बाद क्या कर रहा था, याद करिए, करने के बाद आपके इस वेसाइकिल को एग्जोसाइटोसिस करने के लिए उकसाता था, और एग्जोसाइटोसिस होने के बाद इसका न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज करता था एसिटिलकोलीन, और ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर मौजूद जो इसके रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स के ऊपर आकर के हमारा एसिटिलकोलीन आकर के बाइंड कर जाता था, और फिर डिपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाता था। ये चीज आप समझ लीजिए, ठीक है। ऐसे ही यूनिफॉर्म मूवमेंट में कैल्शियम का जो मूवमेंट होता है, जैसे प्लाज्मोडेस्माटा का जो फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, वहां पर भी इसका रोल होता है। सिंकपोड का मतलब होता है, सिंक का मतलब होता है साथ, सिंक का मतलब होता है साथ, मतलब एक साथ जाता है, जैसे यहाँ पर आप समझिए इस तरीके से। इस तरीके से मूवमेंट, ठीक, देख लीजिए, ये मूवमेंट हो रहा है एक साथ जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि कोई पार्टिकल ए है, कोई पार्टिकल बी है, आउटसाइड से इनसाइड की तरफ ये जा रहे हैं, और इसका जो सबसे बेसिक एग्जांपल है, मान लेते हैं कि सोडियम आयन और ग्लूकोज, सोडियम आयन और ग्लूकोज एक साथ जो है इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। याद करिए जब आपको हमने पढ़ाया था एंटीपोड में क्या होता है, एंटीपोड में याद करिए सोडियम पोटेशियम पंप, क्या याद करिए आप, सोडियम पोटेशियम पंप, याद आया कुछ, बोलो, नहीं याद आया, yes, ये सोडियम पोटेशियम पंप में आप देखिए कि होता क्या है कि एक एंटीपोड कर रहे हैं, एक का डायरेक्शन इस अंदर की तरफ होगा ये, और एक का डायरेक्शन किधर होगा बेटा, बाहर की तरफ होगा ये, इस तरीके से ये मूवमेंट हो रहा है। तो आपको मालूम है, याद होगा कि तीन पोटेशियम आयन बाहर जाते हैं और दो, सॉरी, तीन सोडियम आयन बाहर जाते हैं और दो पोटेशियम आयन क्या होते हैं बेटा, अंदर, तीन सोडियम आयन बाहर और दो पोटेशियम आयन, इस तरीके का मूवमेंट होता है। इसका एग्जांपल क्या हो गया, इसका एग्जांपल हो गया सोडियम पोटेशियम पंप।
सोडियम पोटेशियम, ठीक है। ये चीज हो गई आपकी। सर डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट दोनों ही टेम्परेचर और प्रेशर पर डिपेंड करते हैं ना? हाँ लिटिल बिट। अब चलिए मेरा नेक्स्ट पॉइंट है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस की कहानी सब कुछ डिपेंड करती है हायर टू लोअर कंसेंट्रेशन पे। कह सकते हैं मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। बात करते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट के, क्योंकि रिवीजन है सर। सर आप रुक गए। यस सर। हाँ आवाज आ रही मेरी? यस सर। हाँ बेटा मैं बता रहा था ऑस्मोसिस के बारे में। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम द फ्रॉम इट हायर कंसेंट्रेशन टू द लोअर कंसेंट्रेशन। सॉल्वेंट मतलब अगर कोई सोल्यूशन है उस सोल्यूशन में जिसका अमाउंट ज्यादा होता है वो हमेशा कंसिडर किया जाता है क्या? वो हमेशा कंसिडर किया जाता है कि वो सॉल्वेंट, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि सोल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में दो चीजें मिली हुई हैं। ए मान लीजिए कि ए के आपके 200 मॉलिक्यूल हैं, बी के आपके 50 मॉलिक्यूल हैं। तो यहाँ पर ए को कंसीडर किया जाएगा क्या? ए को कंसीडर करेंगे हम सॉल्वेंट और बी को हम कंसीडर करेंगे सॉल्यूट। जैसे चीनी पानी का घोल है तो उसमें चीनी क्या है? चीनी आपका होगा सॉल्यूट और पानी आपका क्या होगा? सॉल्वेंट। यहाँ पर सॉल्वेंट के मूवमेंट की बात की जाती है ऑस्मोसिस, ठीक है। यहाँ पर सॉल्वेंट का जो मूवमेंट होता है हायर कंसेंट्रेशन टूवर्ड्स द लोअर सॉल्वेंट कंसेंट्रेशन, जिधर सॉल्वेंट का कंसेंट्रेशन क्या होता है बेटा? कम। उस तरह से हमारा मूवमेंट होता है, ठीक है। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि जैसे कि आपका है ये हमने एक बीकर बनाया है, ये आपको बीकर दिख रहा है,
और यहाँ पर हमने एक पार्टीशन बनाया है, जो पार्टीशन हमारा क्या है, वो पार्टीशन हमारा है सेमी परमीबल मेम्ब्रेन, ये हमारा है सेमी परमीबल मेम्ब्रेन, ठीक है। ठीक है, सेमी परमीबल मेम्ब्रेन। अब इस सेमी परमीबल मेम्ब्रेन में हम जानते हैं कि सोल्यूशन हमेशा क्लियर देखिए, ये इधर जो सोल्यूशन है हमारा, वो सोल्यूशन कैसा है, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक है। इधर का सोल्यूशन हमारा क्या है, हाइपरटोनिक। हाइपर हाइपर का मतलब आप समझते हैं, हाइपोटोनिक में क्या होगा, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में, इस वाले सोल्यूशन में, इस वाले सोल्यूशन की खास बात ये है, यहाँ पर जो सॉल्वेंट है वो सॉल्वेंट ज्यादा होगा और हमारा जो सॉल्यूट होगा वो क्या होगा कम। हाइपरटोनिक सोल्यूशन में जो हमारा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है वो कम होगा और हमारा जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा जो सॉल्वेंट है वो हायर टू लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, और हमेशा ये जो मूवमेंट होता है, मैंने एक बार नहीं हजार बार आपको बताया है कि मूवमेंट जिस चीज के लिए होता है वो हमेशा डिफरेंसेस को मिनिमाइज करने के लिए किया जाता है, डिफरेंसेस को कम करने के लिए किया जाता है, ताकि इक्वलिटी बनी रहे, इक्विलिब्रियम बना रहे। तो आप जैसे यहाँ पर देखिए कि ये वाला अगर हाइपोटोनिक, अगर हम इसको बोल रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ का जो सोल्यूशन है वो कैसा है, डाइल्यूट है, और यहाँ का जो सोल्यूशन है वो कैसा है, कंसेंट्रेटेड है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर फिर वाटर का मॉलिक्यूल इधर भी होगा, वाटर का मॉलिक्यूल इधर भी होगा। मान लेते हैं कि वाटर का मॉलिक्यूल इधर कितना, इधर मान लीजिए 100 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, और इधर कितना, 50 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है। तो वाटर का मूवमेंट जो होगा बच्चा, वो इधर से इधर की तरफ होगा, ठीक है, वाटर का मॉलिक्यूल इधर से इधर की तरफ होगा थ्रू द सेमी परमीबल मेम्ब्रेन। इस टाइप का जो मूवमेंट होता है उसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं, और इस ऑस्मोसिस मूवमेंट की वजह से जो प्रेशर जनरेट होता है उसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, ठीक। ये पॉइंट आप लिख, कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि मूवमेंट ऑफ वाटर या मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम द डाइल्यूट टू कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन, या दूसरे शब्द में आप कह सकते हैं कि फ्रॉम द हाइपोटोनिक टू हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की तरफ जो मूवमेंट हो रहा है, यानी कि आप ऐसे लिख सकते हो, डाइल्यूट टू इधर कंसेंट्रेशन कंसेंट्रेटेड की तरफ, या आप कह लीजिए कि हाइपोटोनिक से इधर हाइपरटोनिक की तरफ, ठीक है। इज इट क्लियर? अब आपने इसका एक एक्सपेरिमेंट देखा होगा, एक्सपेरिमेंट क्या देखा है जरा सा गौर करिए। आपने एक्सपेरिमेंट देखा है कि एक हम लेते हैं एनिमल सेल, एक हम लेते हैं बेटा एनिमल सेल। अब चूंकि एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती, सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, हमने क्या लिया, तीन बीकर ले लिया, एक दो तीन, तीन बीकर ले लिया, ठीक है। एक सोल्यूशन कैसा है हमारा, आइसोटोनिक सोल्यूशन, एक सोल्यूशन कैसा है हमारा, हाइपोटोनिक है, और एक सोल्यूशन हमारा कैसा है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन है, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने एक सेल को यहाँ पर प्लेस करवा दिया, ये एक सेल को यहाँ पर प्लेस करवा दिया, एक सेल को यहाँ पर प्लेस करवा दिया। अब ध्यान से देखिए हमारी बात, ठीक है। अब चूंकि ये क्या कह रहे हैं, ये है हमारा आइसोटोनिक सोल्यूशन। आइसोटोनिक सोल्यूशन का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये सराउंडिंग का जो कंसेंट्रेशन है सोल्यूशन का वो, और एनिमल का, एनिमल सेल का जो सोल्यूशन है उसका, दोनों का मोलरिटी कह सकते हैं, दोनों का जो कंसेंट्रेशन क्या है बेटा, समान। जो जब कॉमन होगा तो अगर जितना पार्टिकल यहाँ से यहाँ मूव करेगा उतना ही पार्टिकल यहाँ से यहाँ मूव करेगा, तो सेल की साइज पर ऐसा कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं कि 0.9% सोडियम क्लोराइड का और 5% ग्लूकोज, इन दोनों को मिला करके जब हम सोल्यूशन बनाते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, एनिमल सेल, वो सॉरी, इसको हम बोलते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन। और यहाँ पर जो मूवमेंट होता है वो मूवमेंट आपका इक्वल मूवमेंट होगा, ये मूवमेंट हमारा कैसा होगा, इक्वल मूवमेंट होगा। अब कह रहे बेटा हाइपोटोनिक सोल्यूशन, हाइपोटोनिक का मतलब क्या क्या होता है,
ये जो बाहर मीडियम आपको दिख रहा है ना एनिमल सेल के बाहर, ये क्या एनिमल सेल है, यहाँ का मीडियम जो है वो हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक का मतलब हुआ यहाँ पर वाटर का जो कंसेंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू एनिमल सेल के, यहाँ पर वाटर का कंसेंट्रेशन क्या है बेटा कम। तो अब यहाँ पर देखिए खास बात क्या है, खास बात यह है कि यहाँ पर जो वाटर का मूवमेंट हम करवाएंगे वो बाहर से अंदर की तरफ होगा, यहाँ से यहाँ की तरफ होगा, यहाँ से यहाँ की तरफ होगा, इधर से इधर होगा, इधर से इधर होगा, इधर से इधर होगा, ठीक है। आप उठा करके देखिए किशमिश को जब आप पानी के अंदर डाल देते हो तो वो किशमिश फूल जाती है। क्यों फूलती है पता है? क्योंकि किशमिश के अंदर शुगर का कंसेंट्रेशन ज्यादा है, वाटर का कंसेंट्रेशन कम है। जब उसको हम पानी में डालते हैं तो पानी क्या करता है, बाहर से किशमिश के अंदर जो है एंटर कर जाता है। तो इस टाइप का जो मूवमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ये आपका ऑस्मोसिस है या ऑस्मोटिक मूवमेंट है, ठीक। और अगर जब बाहर से अंदर की तरफ मूवमेंट होता है उसको हम एंडोस्मोसिस कहते हैं, और जब अंदर से बाहर की तरफ मूवमेंट होता है उसको हम एक्सोस्मोसिस कहते हैं, ठीक है। तो ये मूवमेंट कौन सा हुआ बेटा, ये मूवमेंट हुआ हमारा एंडोस्मोसिस, ये मूवमेंट हमारा एंडोस्मोसिस हुआ। दूसरा, इसकी वजह से जब जब आपका वाटर यहाँ से सेल के अंदर पहुंचेगा, वाटर यहाँ से सेल के अंदर पहुंचेगा तो सेल के अंदर जो वाटर का लेवल है वो बढ़ जाएगा। वाटर के लेवल बढ़ जाने की वजह से क्या होगा, इसके अंदर स्वेलिंग आ जाएगी, ये जो है सेल हमारा स्वेल कर जाएगा, और उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे बेटा, हमारी सेल जो है टर्जिड हो गई है। हमारी सेल कैसी हो गई है, टर्जिड हो गई है, ठीक है। और सेल टर्जिड होने की वजह से इसके अंदर रप्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप अगर कुछ ज्यादा टाइम के लिए किशमिश की जो है पानी में ज्यादा छोड़ दें तो आप देखोगे सुबह सुबह उसकी वॉल के ऊपर एक चीर सी पड़ी रहती है, जो है आपका एक वहां पर दरार दिखाई पड़ती है, वो रप्चरिंग हो जाती है, ठीक है। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पर ब्रेक कर जाती है ना उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, घोस्ट कहते हैं। ब्रोकन प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम कहते हैं घोस्ट, भाई भूत वाला घोस्ट, ठीक। अब अगर हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की बात करें तो अगर ये बाहर का मीडियम हमारा हाइपोटोनिक है, यानी कि यहाँ पर सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन ज्यादा है, सॉल्वेंट का कंसेंट्रेशन कम है, तो क्या होगा कि मूवमेंट ऑफ वाटर अंदर से बाहर की तरफ मूवमेंट ऑफ वाटर होगा, ठीक है, अंदर से बाहर की तरफ मूवमेंट ऑफ वाटर होगा। और इस टाइप का जो मूवमेंट होगा उसको हम बोलेंगे एग्जोस्मोसिस, क्या बोलेंगे, एग्जोस्मोसिस कहेंगे, ठीक है। अब एग्जोस्मोसिस होगी तो ये जो सेल हमारी है, ये जो सेल हमारी अपनी नॉर्मल कंडीशन में स्वेल है, तो अगर इसके अंदर से सारा पानी निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, ये सेल हमारा फ्लैसिड हो जाएगा या श्रिंक कर जाएगा। बड़ी सिंपल सी बात है कि जब हमारी बॉडी में भी डिहाइड्रेशन होता है तो हमारी बॉडी क्या हो जाती है, सिकुड़ की जाती है, एकदम ऐसा लगता है फ्लैसिड की कंडीशन आ गई, श्रिंक कर गई है, ये श्रिंक कर जाएगा, ठीक है। और इस टाइप की जो सेल्स होती है, सेल्स बिकम क्रीमेटेड, क्या ये क्रीमेटेड, ठीक। अब ये तो एनिमल सेल की बात है, एनिमल सेल में सारी चीजें प्लांट सेल की जैसे हो रही है, लेकिन एक थोड़ा सा फर्क है। फर्क ये है कि एनिमल सेल के अंदर एंडोस्मोसिस ज्यादा होती है तो सेल हमारी क्या कर जाती है बेटा, रप्चर कर जाती है, ध्यान देना इस बात। लेकिन अगर यही हम प्लांट सेल लेंगे तो प्लांट सेल के अंदर कितनी भी एंडोस्मोसिस हो लेकिन वो प्लांट सेल हमारी रप्चर नहीं करती। क्यों नहीं रप्चर करती, क्योंकि जो हमारा प्लांट सेल है, प्लांट सेल में पाया जाता है क्या, सेल मेम्ब्रेन, सॉरी सेल वॉल पाई जाती है, क्या पाई जाती है, सेल वॉल। और सेल वॉल क्या होता है, बहुत ज्यादा रिजिड होता है, टफ, ठीक है। तो सेल वॉल यहाँ पर रिजिड होती है, इसीलिए हमारा जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वाला जो केस होता है, यानी एंडोस्मोसिस जो होता है, एंडोस्मोसिस में हमारी प्लांट सेल जो है वो रप्चर नहीं करती, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट ऑफ वाटर हो रहा है किसके थ्रू हो रहा है बेटा, सेमी परमिबल मेम्ब्रेन। तो हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये भी हमारी क्या है, सेमी परमिबल मेम्ब्रेन की तरह काम करती है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा आपको प्लाज्मोलिसिस के बारे में बताएं तो प्लाज्मोलिसिस में होता क्या है कि आप जानते हैं कि ये आप सकते हैं,
ये आपका एक्सेल है, एक डायग्राम और बना लीजिए। ये आपका सेल, ठीक है। सेल के अंदर आप जानते हैं कि एक बड़ा सा वैक्यूल पाया जाता है। ये प्लांट सेल की बात कर रहे हैं, ये बड़ा सा वैक्यूल है और 90% एरिया यही ऑक्यूपाई किया रहता है। और छोटा सा आपको क्या दिखाई पड़ता है यहाँ पर, यहाँ पर छोटा सा आपको न्यूक्लियस दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो ये जो वैक्यूल है ये क्या, इसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, क्या कह सकते हैं? ये पूरा साइटोप्लाज्म जो है क्या है, ये आपके यहाँ पर साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। तो जब यहाँ पर इसको क्या करते हैं बेटा, हम इसको हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डालते हैं। किसमें डालेंगे? हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डालेंगे। तो होगा क्या, जब हाइपोटोनिक सोल्यूशन में, सॉरी हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डालेंगे, तो ये जो हमारा वैक्यूल दिख रहा है ना, ये वैक्यूल एक तरफ से ऐसे शिफ्ट हो जाता है, छोटा हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर का सारा कंटेंट निकल करके इस साइटोप्लाज्म के अंदर एंटर कर जाता है, इसके अंदर पहुंच जाता है, यहाँ पर पहुंच जाता है। जब इसके अंदर का, ये वैक्यूल के अंदर का सारा कंटेंट निकल करके साइटोप्लाज्म में पहुंच जाएगा, इसकी साइज क्या हो जाएगी बेटा, छोटी हो जाएगी। और इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम प्लाज्मोलिसिस। इसमें सेल के शेप पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस तरह से आपको देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा जो प्लांट का सेल है उसके अंदर पाया जाता है सेल वॉल। तो सेल वॉल पाए जाने की वजह से सेल हमारी क्या हो जाती है, जनरली हमें वो फ्लैसिड नहीं दिखाई पड़ती, बल्कि वो प्लाज्मोलाइज्ड हो जाती है। इस टाइप का जो मूवमेंट होता है कि वैक्यूल से कंटेंट निकल करके साइटोप्लाज्म में चला है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, प्लाज्मोलिसिस कहते हैं, ठीक है। तो इसमें आप ऐसे लिख सकते हैं पॉइंट की साइटोप्लाज्म ऑन वन साइड क्या करता है बेटा, श्रिंक कर जाता है, एक तरफ मूव कर जाता है, और इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, प्लाज्मोलिसिस कहते हैं, ठीक है। जब भी हम इसको क्या करते हैं, उसमें प्लेस करते हैं आपके हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, हम डालते हैं, ठीक है सर। ऐसा हो क्यों रहा है? एक मिनट रुको जरा सा। इसको मैंने थोड़ा सा उल्टा बोल दिया, देखो एक मिनट कि जब जो है यहाँ का कंटेंट, देखो इधर का कंटेंट, क्या कहते हैं वैक्यूल का कंटेंट या वाटर इधर से इधर मूव करेगा, ठीक है। यहाँ पर एग्जोस्मोसिस हो रही है, ठीक है। एग्जोस्मोसिस होने की वजह से ये जो साइज है वैक्यूल की, साइज ही छोटी हो जाती है। तब इस कंडीशन को हम बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। अब हमने क्या किया कि इसको जो कैसे कंटेनर में डाला, इसका सोल्यूशन कैसा था, हाइपोटोनिक, यानी यहाँ का सोल्यूशन है हमारा हाइपोटोनिक, ऐसा हाइपोटोनिक। और इसके अंदर हमने ये अपना सेल जो है इसके अंदर प्लेस कर, और ये हमारा छोटा सा वैक्यूल है, और ये बाहर की तरफ पूरा पूरा साइटोप्लाज्म है। जब हमने इसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर प्लेस किया, तो हो गया क्या, यहाँ पर ये सॉल्यूशन हाइपोटोनिक के लिए येलो कलर का हम बना रहे हैं, ये येलो कलर का हम बना रहे हैं, तो अपने नेचर के अकॉर्डिंगली क्या होगा, ये जो है यहाँ से बाहर से अंदर की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि इसके अंदर का जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, इसका कंसेंट्रेशन ज्यादा है वो हाइपोटोनिक। तो मूवमेंट ऑफ वाटर हाइपो से हाइपर की तरफ होगा। जब आपका मूवमेंट हाइपो से हाइपर की तरफ होना शुरू हो जाएगा, तब ये जो हमारा सेल है ये वापस से अपनी पुरानी स्थिति में आ जाएगा,
और ये आपका बड़ा सा वेक्यूल फिर से भी क्रिएट हो जाएगा और ये छोटा सा न्यूक्लियस हो जाएगा। तो इधर से सर ये तो एक्सपेरिमेंटल है ना, वैसे नॉर्मल प्लांट सेल में ऐसे कैसे हो सकता है? होता है, होता है, होता है, होता है। जब मालूम है जब ड्राउट की कंडीशन आती है, सूखा पड़ता है, वाटर की स्कार्सिटी होती है, उन सब कंडीशन में होते हैं ये। ठीक है, अब देखो ये वाली कंडीशन जो दी थी वो आपकी प्लाज्मोलिसिस वाली, ये क्या थी? प्लाज्मोलिसिस वाली। लेकिन जब हमने इसको हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डाल दिया और ये वापस से अपनी पुरानी स्थिति को पा लिया, पुरानी कंडीशन पे आ गया, तब हम इसको क्या बोलेंगे बेटा? डी प्लाज्मो, क्या कहेंगे इसको? हम डी प्लाज्मो। ठीक है, इम्बाइबिशन में ये आपका एक सर्कस बना होगा, पहला पॉइंट ये आपका एक सर्कस बना होगा। ठीक है, इम्बाइबिशन आपका एड्सॉर्प्शन है ना कि एब्जॉर्प्शन है। आजकल बरसात का सीजन है, बरसात में दरवाजे आपके जो खुलते और बंद होते हैं, नॉर्मल वुडन डोर जो होता है वो जाम हो जाता है। ठीक है, बंद नहीं हो पाता, टेढ़ा हो जाता है, ऐंठ जाता है, उसकी वजह आपका यही इम्बाइबिशन। उसका जो सरफेस होता है, सरफेस वाटर को एब्जॉर्ब करके अपना जो शेप जो है वो चेंज कर लेता है, लेकिन जो एब्जॉर्प्शन होता है वो परमानेंट होता है, वो बल्क फिनोमेना होता है। तो चाहे आप दरवाजे की बात को ले लीजिए, चाहे जब कभी आपने कभी आटे को गूंदा होगा रोटी बनाने के लिए, तो जब आप आटा गूंदते हो तो थोड़ी देर के बाद आपको वहां से एक हल्की हल्की सी हीट महसूस होती है हाथ से, तो उसको हम हीट ऑफ हीटिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? हीट ऑफ हीटिंग, हीट ऑफ हीटिंग। तो ये जो हीट ऑफ हीटिंग जनरेट होती है ये भी किसका, किसकी वजह? ये भी वजह आपकी है इम्बाइबिशन। ठीक है, तो यहाँ पर इम्बाइबिशन में क्या होता है कि आपका जो वाटर होता है या आप कह सकते हैं जो सॉल्वेंट होता है, उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होता बल्कि वो एब्जॉर्ब होता है, यानी कि एब्जॉर्प्शन होता है, तो पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है। ठीक है, और इसकी वजह से एक प्रेशर जनरेट होता है, इसको हम बोलते हैं इम्बाइबिशन प्रेशर, इम्बाइबिशन प्रेशर। आप लोग याद करिए कि जन्माष्टमी के मौके पर, पता नहीं आप लोगों की तरफ होता है कि नहीं होता, हमारी तरफ होता था बचपन में, जैसे कि एक खीरा लेते हैं, खीरा या खटली लेते हैं, उसको फाड़ देते हैं बीच से, और उसके अंदर कुछ जो आपके चने वगैरह होते हैं उसको उसके अंदर डाल करके रेशम की जो कच्ची डोर होती है उससे हल्का सा बांध देते हैं, बांधने के बाद उसको रख देते हैं। तो 10 घंटे 12 घंटे के बाद क्या होता है, पर्टिकुलर उस टाइम पीरियड पर क्या होता है, वो डोर ऐसे टूट जाती है अपने आप। ठीक है, क्या होती है, वो टूट जाती है, तो वो जो टूटती है तो उसको ये कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो गया, ऐसा मैंने देखा भी है और सुना। तो होता क्या है कि उसमें जो आपने सीड वगैरह रखे होते हैं ना, जो जर्मिनेशन ऑफ द सीड का जो पहला प्रोसेस होता है वो भी इम्बाइबिशन होता है। तो क्योंकि उसका जो सीड कोट वगैरह होता है, सीड कोट पर आपका वाटर एब्जॉर्ब होता है और वो सीड कोट फट जाती है और वो सीड हमारा जर्मिनेशन के पहले स्टेप को पार कर चुका होता है, तो ये इम्बाइबिशन ही होता है जो वहां पर रेशम जो डोर आपने तोड़ी। ठीक है, तो वो कौन किसकी वजह से होता है? वो इम्बाइबिशन प्रेशर की वजह से होता है। ठीक है, अब अगर जैसे मान लीजिए कि ये सीड आपका है, ये आपका सीड, सीड में जो ड्राई सीड होता है, ध्यान से सुनना, जो ड्राई सीड होता है उस ड्राई सीड को जैसे ही मॉइस्चर मिलता है, मॉइस्चर मिलने के बाद इसके अंदर जो प्रेशर जनरेट होता है, कैन यू बिलीव वो प्रेशर 1000 atm के बराबर होता है, 1000 atmospheric प्रेशर के बराबर होता है, और फिर आप देखते हो कि यहाँ से हमारा सीड जो है बेटा ये जर्मिनेट कर, फिर हमारा जर्मिनेट कर। ठीक है, अब ये जो इम्बाइबिशन प्रेशर है या इम्बाइबिशन है, मैंने इसके बारे में ये बताया कि इट जनरेट हीट, इट जनरेट हीट, ये हीट जनरेट करता है। क्या करता है बेटा? ये हीट जनरेट करता है, और इसी हीट को बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन।
इसको हम बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन, या इसी को हम बोलते हैं हीट ऑफ वेटिंग। हीट ऑफ वेटिंग, हीट ऑफ हाइड्रेशन या हीट ऑफ वेटिंग। तो होता क्या है, देखो जरा सा ध्यान से इधर, ये कोई सरफेस है, ठीक है, हमने काइनेटिक एनर्जी लगाई इधर, थोड़ा सा फिजिक्स समझ लो, हमने यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी लगाई है, ये हमने यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी लगाई, ये इसके ऊपर हमने यहाँ पर ये हीट का प्रेशर दिया, और फिर फाइनली ये जो है आपका ये काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है बेटा, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। किसने कहा था, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म टू अनदर, किसने कहा था, किसने कहा था, लुईस पाश्चर। क्या कुछ भी बोलते हैं, अभी वाइब्रेशन की वजह से वॉल्यूम क्या होता है बेटा, वॉल्यूम भी हमारा इंक्रीज, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, हम लोगों ने पढ़ लिया डिस्ट्रीब्यूशन, पढ़ लिया फैसिलिटेटेड डिस्ट्रीब्यूशन, हो गया ये मूवमेंट हो गया, ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ये चार्ट याद कर लेना बच्चे आप, बहुत जरूरी चार्ट है, चार्ट याद कर लेना, ठीक है। प्लांट वाटर रिलेशन की बात करें, फिर डालेंगे हम लोग वाटर को, वाटर प्लांट इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ग्रीक वर्ड जिससे साइज, ये साइज, और इसको मेजर किया जाता है किसमें, पास्कल, ये पास्कल, ठीक है। अब यहाँ पर आपको याद होगा कि जो वाटर पोटेंशियल होता है, ठीक है, पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, मूवमेंट वाली बात, जैसे आप जानते हैं कि ये कंटेनर अगर है हमारा, ये कंटेनर है और इसके अंदर हमारा ये वाटर मॉलिक्यूल, ये हमारा वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल हमेशा रैंडम मूवमेंट करता है, ठीक है, कैसा मूवमेंट करेगा, रैंडम मूवमेंट करेगा, इधर इधर मूव 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 करेगा, ऐसे मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा, इस तरीके से इसका मूवमेंट होता है, जिगजैग टाइप का मूवमेंट होता है। और जो प्योर वाटर होता है, प्योर वाटर के अंदर जो एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, उसका जो पोटेंशियल होता है वो बहुत ज्यादा होता है, बिल्कुल ठीक वैसा ही है कि अगर रास्ता बिल्कुल क्लियर है तो
तो वहां पर जो मूवमेंट होगा बहुत ही फास्ट होगा, सड़क स्मूथ है तो वहां पर मूवमेंट बहुत फास्ट होगा, लेकिन अगर उसकी सड़क में बड़े बड़े जो है होल होंगे, बड़े बड़े गड्ढे होंगे, तो हमारा जो मूवमेंट होगा वो अच्छा नहीं होगा। तो ये जो मूवमेंट हो रहा है ये काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसमें जो एनर्जी होती है इस टाइप के सोल्यूशन में, या सोल्यूशन तो नहीं है, प्योर वाटर है, वहां पर एनर्जी जो होगी बेटे वो एनर्जी हमारी मैक्सिमम एनर्जी होगी। और जब एनर्जी ज्यादा होती है इसका मतलब उसके अंदर का जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल भी मैक्सिमम होगा। क्या होगा? मैक्सिमम पोटेंशियल होगा। और इसको पोटेंशियल ऑफ वाटर को रिप्रेजेंट करते हैं साई डब्ल्यू, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? साई डब्ल्यू से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, साई डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पोटेंशियल ऑफ वाटर याद कर लेना, पोटेंशियल ऑफ वाटर इज मैक्सिमम, पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर, नॉट ओनली वाटर, पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर। पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज मैक्सिमम एंड इट शुड बी टेकन एज जीरो। अगर आपसे कहा जाए कि वाटर का पोटेंशियल जीरो है, नॉट नॉट पोटेंशियल, हाँ वाटर पोटेंशियल जीरो, इसका मतलब क्या हो गया कि वो मैक्सिमम की बात कर रहा है, उसकी बात कर रहा है मैक्सिमम की बात कर रहा है। और अगर वाटर पोटेंशियल, हम कहेंगे वाटर पोटेंशियल ऑफ सॉल्यूशन, किसी सॉल्यूशन के अंदर वाटर का क्या पोटेंशियल है, किसी सॉल्यूशन के अंदर वाटर के क्या पोटेंशियल है, तो वो हमेशा क्या होगा बेटा, विल बी लेस। लेस का मतलब क्या हो गया? जीरो, जीरो से कम, लेस देन जीरो। तब हम उसको लेते हैं -1, -2, -3 एंड सो ऑन। इस तरीके से हम बोलते हैं कि अब इसका वाटर पोटेंशियल किसी सोल्यूशन में कम क्यों हो जाता है, इसलिए कम हो जाता है क्योंकि जब उस प्योर वाटर के अंदर कोई सोल्यूट अगर डाल देंगे तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, मतलब हम हाइपो से हाइपर की तरफ जाना शुरू कर चुके हैं, डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड की तरफ जाना शुरू कर। ठीक है, इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं बेटा, हम माइनस में कंसिडर करते हैं। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग वाटर पोटेंशियल देखते हैं कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो वाटर पोटेंशियल को अफेक्ट करते हैं, ऐसे लिख लीजिएगा आप, फैक्टर अफेक्टिंग वाटर पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स, जैसे नंबर 1 सॉल्यूट, इसको हम आई ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर अगर सॉल्यूट का पोटेंशियल अगर हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इसके रिजल्ट में वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा, मतलब निगेटिव में चला जाएगा। डी वाले में अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे, प्रेशर का इफेक्ट क्या पड़ेगा आप देखिए, अगर हम प्रेशर पोटेंशियल बढ़ाएंगे, इफ प्रेशर पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे तो हमारा क्या होगा, वाटर पोटेंशियल जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज करेगा। ग्रेविटी यानी एमजीएच जो होता है, ग्रेविटी का जो असर होता है वो नेग्लिजिबल माना जाता है, ग्रेविटी क्या बोलते हैं, एमजीएच कहते हैं ना, जो भी यार केमिस्ट्री फिजिक्स आप लोग अपना देख लीजिएगा, तो इसका जो असर होता है वो होता है आपका नेगलिजिबल होता है, इसका बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट इफेक्ट नहीं होता। इसका जो फॉर्मूला है बेटा वो फॉर्मूला आपका इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ध्यान से देखिए, हमने कहा कि वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल, ये ठीक है।
सर, हाँ अगर हम किसी भी प्योर वाटर में प्रेशर लगाएंगे तो वो तो वैसे ही मैक्सिमम है, उससे ज्यादा मैक्सिमम है, ठीक है मैक्सिमम है, तो वहां पर हम लगाएंगे ही। तो पॉजिटिव साइन में आना चाहिए, लेकिन ऐसा हम लोग करते नहीं। वो मालूम है जहाँ पर वाटर इंडस्ट्री वगैरह होती है, मान ब्यूटेरियम वगैरह बनाया जाता है, वहां पर करते हैं काम। जैसे मान लीजिए कंटेनर है, ये हमारा कंटेनर, इस जगह पर वाटर पोटेंशियल आपका क्या है? ज्यादा। और इस जगह पर वाटर पोटेंशियल क्या है? कम। तो मूवमेंट किधर होगा? हाईएस्ट लोअर की तरफ होगा, ठीक है? इस तरफ से इस तरफ मूवमेंट होगा वाटर, इस तरफ मूवमेंट होगा, ठीक है? वाटर मूव फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू दी लोअर वाटर पॉइंट, फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू दी लोअर वाटर, ये मूवमेंट, ठीक है? अगला है आपका डी टी डी, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, इसमें एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जो लिखना है, जो एक लाइन है इसको डिफाइन करता है। द अमाउंट बाय विच, वो अमाउंट जिसकी वजह से डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, किसी सॉल्यूशन का जो डिफ्यूजन प्रेशर होता है, इट्स लेस, इज लेस देन इट्स प्योर सॉल्वेंट, ठीक है? जो प्योर सॉल्वेंट है उससे आपका जो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, वो क्या होता है? कम होता है वो अमाउंट। जैसे मान लीजिए कि ये कंटेनर आपने बनाया, ये बीच में आपने इसका सेमी परमीबल मेम्ब्रेन लिखाया है। अब यहाँ पर काम स्टार्ट किया, यहाँ पर हमने कहा यहाँ पर वाटर पोटेंशियल कितना है? जीरो, मतलब मैक्सिमम। यहाँ पर हमने कहा वाटर पोटेंशियल कितना है? माइनस टू, मतलब यहाँ पर मिनिमम। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो साइड ए है और ये साइड बी है, साइड ए में क्या भरा हुआ है बेटा? प्योर वाटर भरा हुआ है, ठीक है? और जो साइड बी है, यहाँ पर वाटर पोटेंशियल माइनस में है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर है मौजूद सॉल्यूशन, यहाँ पर सॉल्यूशन है, यहाँ पर खाली वाटर है, यहाँ पर क्या है? सॉल्यूशन, मतलब वाटर के साथ कोई सब्सटेंस यहाँ पर मिक्स है, ठीक है? क्या आप समझ गए? तो वाटर का मूवमेंट किधर से किधर होगा? वाटर का मूवमेंट इधर से इधर की तरफ होगा, हायर टू लोअर, ठीक? अब जो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट का फॉर्मूला होता है, डीपीटी का जो फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस के जो प्रेशर बनता है, माइनस वॉल प्रेशर। वॉल प्रेशर क्या होता है? जो सॉल्यूट है या जो सॉल्यूट है उसका या सॉल्वेंट है उसका पर्टिकुलर सेल की वॉल के ऊपर जो प्रेशर लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? वॉल प्रेशर या टर्गर प्रेशर कहते हैं। टीपी का मतलब होता है टर्गर प्रेशर। जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक सेल है, ठीक है? तो जब इसके अंदर वाटर मूव करके जाता है, ध्यान से देखिएगा हमारे, जब इसके अंदर आपका वाटर मूव करके जाता है, तो ये वाटर इसके अंदर क्या हो गया बेटा? भर गया। अब
ये वाटर क्या करेगा, इसकी वॉल पर एक प्रेशर डालना शुरू करेगा, इसकी वॉल पर एक प्रेशर डालना शुरू इसकी वॉल पर जो प्रेशर डालना शुरू करेगा। ये जो येलो वाली लाइन है ये दिखा रही है, येलो सर आप म्यूट हो गए। ये ऑस्मोटिक प्रेशर को दिखा रहा है, ठीक। दूसरी तरफ आप देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये एक दीवार है हमारे यहाँ पे, ये दीवार और ये हमारा क्या है, ये हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। जब हम इसके ऊपर एक प्रेशर ऐसे डालेंगे, जब इसके ऊपर हम प्रेशर डालेंगे तो ये वॉल है, वॉल इस प्रेशर के, इस वाले प्रेशर के अगेंस्ट भी प्रेशर डालेगी इस तरीके से, तो इसको हम वॉल प्रेशर कहते हैं। आप जैसे दीवार पर बैठे हो, दीवार पर ऐसे लगाने ऐसे प्रेशर डालो, ऐसे प्रेशर डालो तो दीवार भी आपके इसके अगेंस्ट प्रेशर डालेगी। तो ये जो अगेंस्ट प्रेशर है, इस अगेंस्ट प्रेशर को हम क्या बोलेंगे बेटा, सरगर प्रेशर कहेंगे या वॉल प्रेशर कहेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट क्या होगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस वॉल प्रेशर, ये आपको समझना होगा इस बात को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, आपका ये जो टर्जिट सेल होता है, पहली कंडीशन आप देखें, पहली कंडीशन ये है कि जो आपका टर्जिट सेल है, टर्जिट सेल है इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर हम मान लेते हैं 10 है, ठीक है। टर्गर प्रेशर हम मान लेते हैं वो भी कितना है, 10 है। तो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट कितना हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर, दैट विल बी इक्वल टू जीरो। तो हमेशा जो टर्जिट सेल होती है उसका जो डीपीडी होता है वो कितना होता है, जीरो, ठीक है। जब कभी हम फ्लैसिड सेल की बात करते हैं, फ्लैसिड सेल की बात करते हैं तो फ्लैसिड सेल में मान लीजिए ऑस्मोटिक प्रेशर कितना बेटा, 10 है, और टर्गर प्रेशर यहाँ पे कितना मान लीजिए, जीरो है। तो इसका जो डीपीडी आएगा, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट आएगा, वो कितना आएगा, हम जानते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर, दैट विल बी इक्वल टू 10 माइनस जीरो, डीपीडी विल बी 10। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, डेफिसिट का मतलब होता है कमी, ठीक है, कितना हो गया आपका 10, ठीक है। तो पॉइंट आप लिख लीजिएगा, इन केस ऑफ डीपीडी डिफ्यूजन प्रेशर डीपीडी के केस में क्या होता है, वॉटर मूव फ्रॉम लोअर डीपीडी टू हायर डीपीडी। ये बात समझ में आई, मतलब ये हुआ कि टारगेट से प्लेसिड, जैसे कंडीशन आप देखिए, कंडीशन ये है कि हमने दो बॉक्स बनाए, एक बॉक्स लिए एक बॉक्स लिए, ठीक है। यहां पर डीपीडी कितना है, यहां पर डीपीडी कितना है, यहाँ पर डीपीडी मान लिया कितना है, जीरो। यहाँ पर डीपीडी मान लिया कितना है, 10, ठीक। यहाँ पर डीपीडी कितना है, 10 है। तो इसका मतलब ये वाला जो सेल है, ये सेल हमारा कैसा है, टर्जिड है, ये वाला सेल हमारा कैसा है, फ्लैसिड है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर वाटर का लेवल ज्यादा है, यहाँ पर वाटर का लेवल कम है। अब डिफ्यूजन किधर से किधर होगा, जानते हैं बच्चा बच्चा बताएगा कि सर डिफ्यूजन जो है सर्विस से सर्किट की तरफ होगा। इस तरफ से आपने जो ये टर्जिड और फ्लैसिड सेल की वैल्यू निकाली थी तो वो आपने लेट करके निकाली है कि ये ऐसे ऐसे स्टैंडर्ड करके निकाल लिया था,
आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा, उसका क्वेश्चन में दिया रहेगा। देखिए जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन में बता जल्दी से सुपर में, जैसे क्वेश्चन है या नहीं क्या है सर, इससे पहले वाली स्लाइड Answer. जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन है कि एक सेल है सेल ए, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है 10, इसका टर्गर प्रेशर कितना है 6, ठीक है। एक सेल है बी, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर है कितना 10, इसका टर्गर प्रेशर है कितना 4। अब आपसे पूछेगा कि मूवमेंट ऑफ वाटर किधर से किधर होगा, जल्दी से सेल बी से सेल ए, सेल बी से सेल ए, पहले तो हम यहाँ पर डीपीडी निकालेंगे। डीपीडी कितना हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर, इसकी डीपीडी अगर निकालेंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर, इसकी वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4, इसकी वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6। मूवमेंट ऑफ वाटर आपने कहाँ देखा था, कम से ज्यादा की तरफ आपने देखा था, यहाँ पर क्या हो जाएगा डीपीडी मूवमेंट होगा ना, ये क्या है ए का डिग्री 4 है और बी का डिग्री कितना 6 है, कम से ज्यादा की तरफ जा रहा है ना, जैसे यहाँ 0 है यहाँ से 10, यहाँ पर 4 है यहाँ पर 6 है, तो ए वाले का कितना है 4 है, बी वाले कितना 6 है की तरफ जाएंगे ना। ठीक है, अगला पॉइंट देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको क्या बोलते हैं कि प्रेशर अप्लाइड बाय, प्रेशर अप्लाइड बाय ऑफ सॉल्यूशन टू प्रिवेंट, टू प्रिवेंट इनवर्ड मूवमेंट, इनवर्ड मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट लगाते, इसको हम पाई से डिनोट करते हैं। सॉल्यूशन के बाद क्या लिखा है, कहाँ सॉल्यूशन लिखा है, सॉल्वेंट लिखा, सॉल्यूशन ये टू प्रिवेंट, प्रिवेंट टू प्रिवेंट, ठीक है। कल ये टॉपिक हम पेश कर देंगे था रिवीजन के टॉपिक में, ठीक, तो हम आपसे दोबारा मिलेंगे 8:30 बजे सर, आप क्लास है सुबह 8:30 बजे, ओके थैंक यू सर। शाम वाली लेना होगा तो शाम वाली चले आना, सेम लिंक को सर, 8:30 बजे।